Let's champions, welcome to Career Adda. My name is Ashish and we are solving units and measurement. Okay, so again bauchhar for you. अरे सर कितनी बौछार करोगे सर? बेटा बारिश का मौसम है, बौछार तो बहुत जरूरी है ना? तो बौछार आप बारिश में पानी की बौछार होगी और यहाँ पे हम न्यूमेरिकल की बौछार करेंगे. ओके, जैसे कि लास्ट लेक्चर हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे है ना डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के, तो वैसे ही एक क्वेश्चन और आपके लिए कि यहाँ पे दिया हुआ है एक एस्केप वेलोसिटी v दी हुई है ऑफ अ बॉडी. एस्केप वेलोसिटी v दी हुई है ऑफ अ बॉडी, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, एस्केप वेलोसिटी v, ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन दिया हुआ है हमको, डिपेंड्स ऑन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका डायमेंशन क्या है एल टी माइनस टू, ठीक है. सेकंड किस पे डिपेंडेंट है, द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस पे डिपेंडेंट है जिसका डायमेंशन क्या है एल, एंड बस ये दो चीजें पे डिपेंडेंट है, रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करना है. अरे बहुत इजी बच्चों, तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, अगेन हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा जी टू द पावर एक्स, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कैसे उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है. एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर वाई, अगेन एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जी टू द पावर एक्स आर टू द पावर वाई, ये हमको मिल गया. अब हम क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस वन, ठीक है, के कॉन्स्टेंट है, जी का डायमेंशन क्या है एल टी माइनस टू होल टू द पावर एक्स, आर का डायमेंशन क्या है एल होल टू द पावर वाई. तो यहाँ पे आप सेपरेट कर लो एल टी टू द पावर माइनस वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे एल टू द पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है ए टू द पावर एम प्लस एन. हम एक्सपोनेंट में पढ़ गए हैं कि बेस सेम होता है और उनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं ना. तो एक्स प्लस वाई और यहां पे क्या मिलेगा टी टू द पावर माइनस माइनस टू एक्स, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे एल टू द पावर वन, यहां पे एल टू द पावर क्या मिला एक्स प्लस वाई, तो हमको आप एक रिलेशन मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है. नेक्स्ट t to the power minus 1 is equal to t to the power minus 2x, तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा minus 1 is equal to minus 2x, minus minus will be cancel out, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 by 2, क्योंकि 2 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे y is equal to क्या मिल जाएगा 1 by 2, इसकी वैल्यू है 1 minus 1 by 2 is equal to y is equal to क्या मिल जाएगा 1 by 2, again 1 by 2, x और y की वैल्यू 1 by 2 आ गई, क्या कर रहे हैं सर दोनों की वैल्यू सेम आ गई. यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि g टू द पावर 1 बाय 2 r टू द पावर 1 बाय 2, 1 बाय 2 को हम क्या लिखते हैं बच्चों रूट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको रिलेशन मिल जाएगा एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू k रूट ओवर g r, ये आपका डिराइव्ड हो गया फॉर्मूला. क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नोट कर लो, नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विच हैज फॉलन फ्रीली अंडर ग्रेविटी वेयर इज एज जी टू द पावर पी एच टू द पावर क्यू वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस एंड एच इज द हाइट ऑफ विच द बॉडी हैज फॉलन फ्रॉम, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है. एक बॉडी है जो वेलोसिटी वी से क्या कर रहा है नीचे फॉल हो रहा है, तो उसका रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है जी टू द पावर पी और एच टू द पावर क्यू, ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है. तो हमको पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, हमको इसका मतलब क्या है यहां तक सॉल्व करना है, रिलेशन तो चाहिए ही नहीं, रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, v क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस वन. सबसे पहले बच्चों इसको इक्वेट कर दो, इक्वल में चेंज करेंगे कांस्टेंट लग जाएगा है ना. अब आप सॉल्व करो lt माइनस वन
ना, इधर कांस्टेंट जी क्या है, एल टी माइनस टू टू द पावर पी, और एच क्या है हाइट, तो एल टू द पावर क्यू. नेक्स्ट सेपरेट कर लो, एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस वन, यहाँ पे क्या मिलेगा, एल टू द पावर पी प्लस क्यू. अगेन ये वाला फॉर्मूला बच्चों, है ना, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे. नेक्स्ट टी टू द पावर माइनस टू पी, माइनस टू और पी इंटू होके क्या हो जाएगा, माइनस टू पी. ठीक है, नेक्स्ट एल और एल को हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं एल पी प्लस क्यू. ठीक है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, वन मिल गया. ये बहुत अच्छी चीज मिली बच्चों, किसी को बताना मत. बता भी दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. सो नेक्स्ट आगे t टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस टू पी, है ना, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू पी, माइनस माइनस बी कैंसल आउट, तो p इज इक्वल टू वन बाय टू, पी इज इक्वल टू वन बाय टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय टू, दैट इज q इज इक्वल टू वन बाय टू, क्योंकि वैल्यू भी 1 बाई 2 आ गई, पी की वैल्यू भी 1 बाई 2 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया. हमको यही फाइंड आउट करना था, इसके आगे हमको कुछ करना ही नहीं है. नोट डाउन फर्स्ट, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम, the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length and acceleration due to gravity. Write the expression for its time period. ठीक है, simple pendulum में time period का क्या करना है, हमको formula derive करना है, जो कि किस पे depend कर रहा है, length पे depend कर रहा है. ठीक है, और किस पे depend कर रहा है, acceleration due to gravity. तो यहाँ पे मैं assumption ले लेता हूँ कि t is proportional to l to the power x and t is proportional to g to the power y. Therefore, g t is equal to k constant, which is dimensionless proportionality constant. Clear हो रहा है बच्चों? चलो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं. ठीक है, हम तो सीरियस है सर, आप ही मस्ती कर, कोई बात नहीं सर बेटा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कॉमेडी पढ़ाई के साथ साथ होना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ओ सॉरी, एल टू द पावर एक्स और जी टू द पावर वाई मिल जाएगा. ठीक है, t क्या है यहाँ पे, टाइम, l क्या है लेंथ, g क्या है एक्सलरेशन. आई होप कि आप सारे डायमेंशंस आपको लर्न हो गए होंगे. सो लेट्स स्टार्ट, टू पढ़ो, सॉल्व करो फटाफट. ठीक है, t हो गया k, l की डायमेंशन l, x, g की डायमेंशन lt माइनस टू y, है ना, तो ये हो गया t k l टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k तो हो गई नहीं ना यहाँ पे डायमेंशन में, x प्लस वाई, अब यहाँ पे l है नहीं, t टू द पावर वन है, l टू द पावर यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ इक्वेट करने के लिए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस टू वाई हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू l टू द पावर जीरो, l टू द पावर x प्लस वाई, तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, t टू द पावर वन t टू द पावर माइनस टू y, तो वन इज इक्वल टू माइनस टू वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, तो y इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू पुट करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस वन बाय टू. अब इसमें पुट करते हैं, therefore t इज इक्वल टू k एल टू द पावर वन बाय टू जी टू द पावर माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय टू क्या हो जाएगा, एल टू द पावर वन बाय टू बाय जी टू द पावर वन बाय टू हो जाएगा. ये कि वन बाय टू को कैंसिल आउट मत कर देना बच्चों, है ना, पता चला ये वन बाय टू है, कैंसिल कैंसिल, एल बाय जी आ गया. नहीं, पावर्स कभी ऐसे थोड़ा ना कैंसिल आउट होते हैं, है ना. तो हाँ, अब वन बाय टू हम क्या लिखते हैं बच्चों, रूट लिखते हैं, तो रूट ओवर एल बाय जी, ये आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला है जो कि डिराइव हो गया. क्लियर है बच्चों, बन जाएगा आप, होप अब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ चुका है, मैं समझू कि आप बना लोगे पक्का, श्योर, लॉक कर दे, ताला लगा दिया जाए. ओके सर, ताला मत लगाओ सर, पहले लॉकडाउन चलो.
लॉकडाउन चल रहा है, अच्छी बात है, तभी तो अप्लाई कर पाओगे। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करो, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई करो। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो और डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।